एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिया का ए समाजिक सिक्ख्या क्लास के हमेशा की तरह अज थोड़े लिए एक नवी वीडियो लैके हाजिर हाँ। अठवीं श्रेणी का पाठ नंबर 15 है जी साढ़े को जाति प्रथा चुनौती चैलेंजस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इस लैसन तो पहला तो जानकारी दे दीए कि अगर तुम इस चैनल पर नवे आए हो तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो और सबसक्राइब करने तो बाद जो सारिया वीडियो पिछलियाँ तुम सारे लैसनस देख सकते हो। क्वेश्चन इंग्लिश और पंजाबी मीडियम के अवेलेबल हैं और बहुत सारे क्वेश्चनस के गूगल फॉर्म बना के तुम्हें सेंड किए गए हैं, वो भी तुम अपनी जी नॉलेज के लिए जाके जी गूगल फॉर्म भी कर सकते हो। ओके जी, तो ज़्यादा समा ना लेंदे हुए असी अज का जिहड़ा चैप्टर शुरू करन तो पहले तुहानू दस दिए कि पी एस ई वी की साइट के मुताबिक ठीक है जी पंजाब बोर्ड का जो साढ़े कोले सिलेबस है उसके मुताबिक और थोड़ी जानकारी दस दिए कि सिलेबस भी इस चैनल पर थोड़े अपलोड किया गया है, पूरी जानकारी दी गई है तो वह भी तुम जरूर इतों देख सकते हो, उसनू अपने कोले नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है जी, उसके मुताबिक दो नंबर का जिहड़ा तुसी जानते हो सारे के टर्म वाइज पेपर हुए ने, तो पहली टर्म के पेपर से जोड़े साढ़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सके और सैकेंड टर्म के जो साढ़े पेपर होने हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा मिक्स मटीरियल होएगा, कहना मतलब एक नंबर दो नंबर चार नंबर के क्वेश्चन सानू पूछे जाएंगे, मैप भी पूछा जाएगा। सो असी गल कर रहे हैं अज का यह चैप्टर जिस दे विचों सानू दो नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर नू असी लर्न रीड रिवाइज़ करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर कोशिश की गई है कि दो दो नंबर वाले तुहाडे तक पहुँचते किए जा। दो नंबर के सानू असी तुहाडे लई पंजाबी और इंग्लिश बोथ मीडियम का जिहड़ा मिक्सअप लैके आए हैं, तो ध्यान नाल वीडियो नू देखना, वध तो वध अगे शेयर भी जरूर करना ताकि होर भी लोग इसका लाभ उठा सकन। तो पहला क्वेश्चन है जतीवा फूले द्वारा नीवी जाति के लोगों की भलाई लिए गए कामों संखेप लिखना है। ठीक है जी, तो सब तो पहला जतीवा फूले ने पुणे में नीवी जात दियां कुड़ियां लई तीन स्कूल खोले, उन्हां ब्राह्मण अते पुजारियों वालों रीति रिवाजों के नाते नीवियां जातियां दे लोगों के आर्थिक शोषण की निखेधी की। ठीक है जी, तो उन्होंने कुड़ियों लई स्कूल खोले तो ब्राह्मणा के पुजारियों वालों नी रीति रिवाजों के नाते, रीति रिवाजों के नाते मीनस कि बहुत सारे इस तरह के कर्म कांड आ जिहड़े ब्राह्मण के पुजारियों द्वारा करवाए जाते सन, एक कर्मकांड इस तरह के संस्कारिक कामों के उन्होंने उलझाया होया सी, इस तरह के उन्होंने कह लो कि भेदा पखंडा के पाया होया सी, वहम भरमा में पाया होया सी, बहुत सारे वहम भरमा जिहड़े तुसी अज दे समाज में भी तुहानू देखण नू मिलणगे। तो उन्होंने काम की सी कि जान बुझ के लोगों इस चीज़ में उलझा के रखना। ठीक है जी, ताकि उन्होंने मकसद की सी वध तो वध कह लो कि पैसा इकट्ठा करना, तो इसलिए वह लोगों इन चीज़ों में उलझा के रखते सी। ठीक है जी, ब्राह्मण और पुजारी सके जोड़े वह लोगों इन चीज़ों के उलझा के रखते सी ताकि उन्हों की एक दुकानदारी कह लो कि एक बिजनेस चल रहा है जिस दे नाल उन्होंने पैसे की कमाई हो रही थी। ठीक है, तो इसकी जी निखेधी की आर्थिक शोषण की निखेधी की किसने, जतीवा फूले ने। जतीवा फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्या सोधक सोसायटी ना की एक एसोसीएशन की स्थापना की। ठीक है जी, ये डेट जरूर याद रख लगनी है सी 24 सितंबर 1897। तो इस समय में उसने सत्या सोधक सोसायटी ना की एक एसोसीएशन की स्थापना की। उन्होंने सरकार को अपील की कि गरीब किसान कारीगर तो वाजिब टैक्स से कह लो कि टैक्स लाए जाने। हुण इत्थे एक जानकारी थोड़ी जिही दी, उन्हां दी पत्नी का नाम जतीवा फूले जी की पत्नी का नाम तुम नोट कर लियो जरूर, अगर तुम अपनी बुक के उपरों रीड कर लो तो मच बैटर है। तो उन्होंने जी पत्नी का नाम सीगा सावित्री। ठीक है जी, सावित्री बाई, ठीक है जिन्हां नूं सावित्री बाई फूले भी कहा गया है। सावित्री बाई फूले उन्हां दी पत्नी सी जिन्होंने कि उन्हां दा बहुत साथ दिता इस मुहिम दे विच उन्हां दा। ठीक है, सावित्री बाई, ठीक है सावित्री बाई फूले, और वो खुद यानी कि दोनों ही यानी कि फूले अते उन्हां दी पत्नी जिहड़े दोनों ही वह स्कूलों के जिहड़े जिहड़ी बच्चों नूं एजुकेशन दिंदे सन, जिस तरह कह लो कि समर्पण सन वह अपनी बच्चे। तो वह दोनों ही इस तरीके दे नाल किया उन्होंने की है बच्चों की कर रहे सन, स्टडी करवा रहे सन। ठीक है जी, तो अगे नैक्सट है सत्या सोधक सोसायटी का हो गया है। तो उन्होंने अनेक कारजा इन चीज़ों रखते हुए ही ध्यान दे विच ठीक है उन्होंने महात्मा की उपाधि नाल सन्मानित किया गया। ठीक है, ये भी तुसी नोट रख लेना
कि उन्होंने महात्मा की उपाधि नाल किया सन्मानित किया गया सी ज्योतिबा बाई फूले। ठीक है जी, चलिए नैक्सट असं देख लें। अगे है इंग्लिश मीडियम के यही क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतों ही रीडिंग लैके इस क्वेश्चन के अंडर नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योतिबा फूले ओपन थ्री स्कूल्स फॉर द लोअर कास्ट गर्ल्स इन पूना। ठीक है, पूना के उन्होंने तीन स्कूल खोले से, पंजाबी मीडियम पहला पढ़ चुके हैं। ही कंडेम्ड द इकनोमिक, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल बाय द ब्राह्मण्स एंड प्रिस्टस इन द नेम ऑफ रिटल्स। ठीक है जी, ज्योतिबा फूले एस्टैबलिश द एसोसिएशन नेम्ड सत्याशोधक सोसाइटी ऑन 24 सितंबर 1873 AD। ही अपील्ड टू गवर्नमेंट दैट द रीजनेबल टैक्स एंड लोअर टैक्सेस जो भी सीगे शुड बी टेकन फ्रॉम द पुअर फार्मर एंड क्राफ्टमैन्स। ठीक है, इस तरह का जिहड़ा उन्हां दा प्रयास रहा है ज्योतिबा बाई फूले, और इसे लई ही उन्हां नूं जिहड़ा उपाधि दित्ती गई सी महात्मा दी, इह असीं पढ़ चुके हैं। संखेप विच लिखो कि समाज सुधारकां द्वारा जाति प्रथा नूं, जात प्रणाली नूं निशाना क्यों बनाया गया, हुण लोड़ क्यों पई इह जाति सिस्टम नूं, कास्ट सिस्टम नूं चुनौती असीं पढ़ रहे हैं। चैलेंज ऑफ कास्ट सिस्टम दी, सिस्टम दी लोड़ क्यों पई, असीं जाणदे हां कि जिथे करप्शन होएगा उत्थे कुछ ना कुछ सुधार करन दी लोड़ पएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना, नीवी जाति के लोगों में अछूत सलूक किया जाता है, उन्होंने झाड़ू लाना, जुत्तियां बना, मरे हुए पशुओं का निपटारा करना, यानी कि मरे हुए पशुओं चुक के सुटना, मरे हुए पशुओं की खल उतारना, चमड़ा बना आदि काम करने मजबूर किया गया। ठीक है, जो नीवी जाति के लोग सके उन्होंने ये सारे काम करने पैदे सके, इसलिए नैचुरली सगा कि उच्च जाति के लोगों द्वारा नीवी जाति के लोगों पर किए जाते अत्याचारों खत्म करने लई कई जाति सुधार अंदोलन किए गए। ठीक है, और तुहाडी जानकारी लई दस दिए कि जो कास्ट सिस्टम सगा उस समय का असी गल कर रहे हैं कास्ट सिस्टम की, तो पहला शुरू तो कास्ट सिस्टम नहीं सगा, हौली हौली जिहड़ा कास्ट सिस्टम है इन्ना ज़्यादा हो गया कि सब तो पहला स्टार्टिंग दे विच सी ऋग्वेद काल दी, जे तुसी इस लैसन नूं ध्यान नाल पढ़िया होएगा अपनी बुक दे उपों, तां ऋग्वेद काल दे विच बेटा कोई जाति प्रणाली प्रचलित नहीं सी। फिर समाज नूं उन्होंने सिर्फ चार हिस्सों दे विच वंडिया होया सीगा, सही मीने तां कम दे आधार ते उन्होंने ब्राह्मण सीगे जिन्हां दे विच, ठीक है, ब्राह्मण हो सक सीगे, क्षत्री सीगे, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्री वैश, ठीक है, काम के आधार पर उन्होंने जिहड़े वंड की हुई सी शूद्र शूद्र, ये चार जातों के जिहड़ा समाज उन्होंने वंड के रखा सी। बट जब 19वीं सदी की गल करते हैं तो ईसाई धर्म वासां ने नीवी जाति के लोगों के बच्चों नूं स्कूल स्थापित, तो अगर असी नीवी जाति की गल करते हैं, सॉरी बैक टू द टॉपिक, ब्राह्मण समाज का बहुत सत्कार किया जाता सी इन्हां विचों, तो शूद्रां नाल बहुत बुरा सलूक किया गया। 19वीं सदी की गल कर रहे हैं, हुण सिर्फ कास्ट सिस्टम बनाया गया सीगा, काम के आधार पर वंडिया गया सी, बट हौली हौली समा पैन दे नाल जिहड़ा सब तो ज़्यादा बुरे सलूक की गल करा तां शूद्र जिहड़ी सब तो नीवी श्रेणी समझा जाण लग्या शूद्रन। ठीक है, इन्हां नाल इन्ना बुरा व्यवहार किया जांदा सी, बच्चे तुहाडी जानकारी लई दस दईए कि अछूत समझा जाता सी इन्हां नूं, और टचेबल असी इहदे विच शब्द पढ़ांगे, क्योंकि छुआछूत की जिहड़ी गल हुंदी है साडे संविधान दे विच उसनूं खत्म किया गया है, कंस्टीट्यूशन दे विच उसनूं जिहड़ा समाप्त किया गया है। बट इस शूदर जिहड़े सीगे इन्हां दा अगर परछावां भी बेटा किसी दे उपर पै जांदा सी तां उन्हां नूं की आ मार ही दिंदे सी कुट कुट के, इन्नी ज़्यादा जाति प्रथा जिहड़ी कठोर की गई सी, और जिस किसी दे उपर उसका परछावां पै जांदा सी उसनूं की आ वो गंगा इनान करता सी, बार बार इनान करता सी, इस तरह का जिहड़ा जाति सिस्टम कठोर सीगा, इसलिए जिहड़ी लोड़ पई इस चीज़ नूं खत्म करन दी। ठीक है, और उन्होंने मंदिरों में जाने की आग्ञा नहीं सी, यानी कि उच्ची श्रेणी का कोई भी जिहड़ा वह तालाबां ते खूहां तों पानी नहीं लै सकते सन, इस तरह दियां बहुत सारियां जिहड़ियां उन्होंने नाल जिहड़ियां घटनावां घटाईयां जांदियां सन। जो तुहानूं दस्सिया कि उन्होंने काम किहड़े किहड़े दित्ते जांदे सीगे, झाड़ू लगाउणा यानी कि सफाई का काम उन्होंने लई हुंदा सी, जुत्तियां बनाउण दा काम उन्होंने हुंदा सी, पशुओं का निपटारा करना, मरे हुए पशुओं की खल उतारना, चमड़ा बनाउणा आदि काम जिहड़े सारे उन्होंने करने लई मजबूर किया जांदा सी, इसलिए जिहड़ा अत्याचारां नूं खत्म करन दे लई ही जिहड़े जाति सुधारक ने जिहड़े ये अंदोलन शुरू किए। तो इस तरह ही इंग्लिश मीडियम राइट ए ब्रीफ बाय कास्ट सिस्टम वाज टारगेटड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स राइट इन ब्रीफ। तो असी पंजाबी मीडियम में सारा पढ़ ही चुके हैं, वैसे तो लोअर कास्ट पीपल वर ट्रेटड अनटचेबल, जो मैं तुहानूं दस्सिया हैगा कि एक अछूत समझ जांदा सी उन्हूं, दे वर
फोर्स टू डू द जॉब्स लाइक स्वीपिंग, ठीक है जी, शू मेकिंग, डिस्पोज टू डेथ डेड एनीमल्स एंड द रिमूव द स्किन ऑफ द डेड एनीमल्स, उन्होंने चमड़ी उतारने के लिए यानी कि खल उतारना, एंड मेकिंग लैदर्स इज एक्सेट्रा। मैनी कास्ट रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स वर स्टार्टर शू एंड जी सारी सी कम्यूनिटीज बाय द अपर कास्ट पीपल ऑन द लोअर कास्ट पीपल, तो उन्होंने वक्त वक्त एसोसीएशन स्थापित कीतियां इन्हों खत्म करने के लिए। संखेप लिखो कि वीर सालिंगम आधुनिक आंध्र प्रदेश का पैगंबर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वीर सिंह सलिंगम आधुनिक आंध्र प्रदेश का जिहड़ा पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि उसने औरतों की बराबरी के अधिकार, ठीक है, औरतों की बराबरी के अधिकार, ओके, और पुनर्विधवा विवाह, तुसी देख रहे हो अंतरजाती विवाह लई संघर्ष शुरू किया। उसने अपनी सारी उम्र नीवीं जात के सुधार के समाज सुधारकों लई योगदान पाया, इसलिए ही उसनों की है कि असं कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का जिहड़ा एक पैगंबर के तौर पर उसनों जाना जाता है। उसने छुआछूत खत्म करने के लिए, स्त्रियों पुरुषों के बराबर अधिकार दवाने के लिए, ठीक है, और थोड़ी जानकारी लिए दस दिए कि वो एक अध्यापक सन जिन्होंने कि बहुत सारे जोड़े स्कूल भी जोड़े जिहड़ा उन्होंने संघर्ष किया अंतर जाति का स्त्रियों बराबर अधिकार दवाने के लिए, ठीक है, तो इस तरह एक समाज सुधारक सन, समाज सेवा से उन्होंने सारी उम्र लगा दी, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। तो वीर सलिंगम इस कल डे उन्होंने जोड़े जीवन बारे असी पढ़िया कि उन्होंने जोड़ा आंध्र प्रदेश के विकास का स्टार्ट रहे स्ट्रगल टू गिव इक्वल राइट्स ऑफ वूमेन विंडो रिमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज। लास्ट लैसन के पढ़िया विंडो रिमैरिज सारा ये बारे असी पढ़िया कि कदों यह शुरू किया गया, किस समय यह सिस्टम चलाया गया, तो कोशिश रहेगी लैसन वाइज भी तुम्हें रिवाइज कराया जाए। फिलहाल क्वेश्चन की रिविजन चल रही है, तो इसते तुसी नोट्स जरूर तैयार कर लेने हैं, या बार बार वीडियो देख के असी वीडियो पॉज करके ये जिहड़े नोट्स असी अपने को रेडी करके रख सकते हैं। श्री नारायण गुरु ने नीवी जात के लोगों की भलाई लिए योगदान पाया, तो श्री नारायण गुरु ने नीवी जात खास करके इस हेवस, ठीक है जी, इस हेवस जात सीगी एक, इस हेवस जात केरला की गल हो रही है, और इस हेवस जात दे विच ही श्री नारायण जी का जन्म हुंदा, इस हेवस जात दे विच ही 1856 ईस्वी दे विच बेटा 1856 ईस्वी दे विच उन्हां दा जिहड़ा हेवस जात केरला, ठीक है जी, केरल दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा है, ठीक है, श्री नारायण जी का केरला दे विच, ते और इस जात नूं जिहड़ा कि केरल दे विच अछूत समझिया जांदा सी, इस करके उन्होंने इन्हां जातियां दे सुधार दे लई बहुत सारे जिहड़े काम कीते, और उन्हां दे विचों जिहड़ा साडे सामने बुक है और बर्थ याद रखना तुसीं 1856 केरल दे विच, इस हेवज जात दे विच केरल दे विच, ठीक है। तो इस उन्होंने 1903 ईस्वी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की सी, ठीक है जी, ये श्री नारायण द्वारा नीवी जात के लोगों के लिए किया गया कमां दे विचों है, ठीक है। श्री नारायण गुरु मेड ऑफर एफर्ट्स टू इंप्रूवमेंट टू द लोअर कास्ट, ठीक है, पार्टिकुलरली इज हेवस कास्ट, ठीक है, द एस्टैब्लिश्ड श्री नारायण धर्म धर्म परि असी जो पढ़िया है परिपालन, ठीक है, परिपालन बोलना है इसनों, परिपालन योगम इन 1903 AD, ठीक है, AD यानी कि 1903 ईस्वी के द्वारा जी इसकी स्थापना की गई सी। महात्मा गांधी द्वारा नीवी जात के लोगों को किहड़ा शब्द वरत्या गया, तो इसका की अर्थ सी, महात्मा गांधी जी ने जो नीवी जात के लोगों के लिए जो शब्द वरत्या सी उसी बच्चे हरिजन, और हरिजन का जो अर्थ सीगा ईश्वर के बच्चे जाने के रब के जाने के परमात्मा की संतान, ठीक है, ये अंडरनोट करना, ये महात्मा गांधी जी द्वारा ये जिहड़ा शब्द आ वह वरत्या गया सीगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जिहड़ा समाज सुधार के लिए काम किए, लोगों के लिए उन्होंने द्वारा भी बहुत ज़्यादा काम किए गए समाज लोअर कास्ट के लिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी यूज टू वर्ड हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल विच मीनस ए द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमात्मा की संतान, ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा नीवी जात के लोगों लिए किए गए कामों की व्याख्या अगर व्याख्या कर जाइए तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि 1921 ईस्वी तो लैके 1923 ईस्वी के दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा सहयोग किया,
ठीक है। तो इतने जो लिखा हुआ है साढ़े को 1920 ईस्वी नागपुर में होए कानफ्रेंस में शूर शाह की निंदा की सी। उन्होंने जो कानफ्रेंस हुई उन्होंने कांग्रेस को हुक्म दिता कि वह नीवी जात के लोगों उन्हों की भलाई लिए संगठित करे, नाल ही नीवी जात के लोगों समाज मानसिक और नैतिक स्थिति में सुधारन यतन करे। महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द असी पहला इस लैसन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, शब्द की वरतों की, ठीक है। उसने जिथे भी मार्च किया, यानी कि उन्होंने जिथे भी मार्च किया लोगों अछूतों स्कूल सड़क जनतक खूह खोलन हर मनुख नाल बराबर का व्यवहार करने लिए कहा, जिथे जिथे भी। और अगर गल कर दईए तो इन्होंने जिहड़ा इन्हों गांधी जी ने नीवियां जातियां दे लोगों के हालात सुधारन लई 11 फरवरी 1833 सप्ताहिक समाचार एक पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया। 11 फरवरी 1933 एक जिहड़ा सप्ताहिक तुसी याद रखना 11 फरवरी 1933 सप्ताहिक समाचार जिहड़ा न्यूज़पेपर एक कह लो कि इन्होंने शुरू किया सीगा इन्हां लोकां दे लई। और इस तरह ही उन्होंने 7 नवंबर 1933 ठीक है 7 नवंबर 1933 जिहड़ी इह यात्रा शुरू की सी 1933 वादरां तों, ठीक है। हरिजनां दी भलाई लई दौरा करना जिहड़ा उन्होंने शुरू किया सीगा जदों उन्होंने यानी कि नीवी जात दे लोकां दे लई, ठीक है। 1933 कितों शुरू किया 1893 उन्होंने किया वादरा, ठीक है। वादरा तो जिहड़ा यह अपना दौरा शुरू किया सी। और उपर असी इस क्वेश्चन के पढ़ चुके हैं कि उन्होंने लोगों को कहा सी जिथे जिथे भी वह गए से उन्होंने अपील की सी कि इन्होंने लोगों के लिए स्कूल कॉलेज सड़क ठीक है जनतक खूह खोलन दे ते मनुख नूं बराबर समझन दी उन्होंने अपील की थी, ठीक है। ये महात्मा गांधी का योगदान सीगा, ठीक है। नागपुर कॉन्फ्रेंस इन 1920 AD इन नागपुर दे विच उन्होंने उसनू उन्होंने चुनौती दी थी कि ही ऑर्डर टू द कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज द लोअर कास्ट पीपल फॉर द अदर वेलफेयर एंड एल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द सोशल मेंटल एंड मोरल कंडीशनस ऑफ द लोअर कास्ट पीपल्स। उन्होंने जी इस कंडीशन सुधारण के लिए महात्मा गांधी जी यूज द वर्ड हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल वेयर एवर ही मार्स्ट जिथे जिथे उन्होंने मार्स्ट किया। ही आस्क द पीपल टू ओपन द स्कूल्स रोड्स एंड पब्लिक वेल्स फॉर द अनटचेबल एंड ट्रीट एवरी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल। सारे नाल कहिंदे कि बराबर का अधिकार करना चाहिए मनुख नूं। अगे कुछ इस लैसन दीआं खाली थावां हन जो तुसीं जो भरिया हुई हैं और आइडिया ले लेना है। जिस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल जी खाली थान सी कि समाज चार वर्गों में वंडिया होया सी तां इह तुहानूं जानकारी दित्ती ही सी मैं कि ब्राह्मण क्षत्री वैश ते शूद्र। तो इत्थे जो खाली थान बनी सी तुहाडे इस लैसन दे विच वो वैश भरना सीगा सी, ठीक है। तुसीं देख लेना है अपनी बुक दे उपरों हैल्प ले लेनी है उसकी जां तुसीं इसनूं इसे तरह। ज्योतिबा फुले नूं महात्मा की उपाधि नाल सन्मानित किया गया तो इत्थे असीं खाली थान साडी बनदी सी सिर्फ महात्मा लिखना सी, इह वी असीं इस दे विच रिवाइज़ किया है। डॉक्टर भीम राव अंबेदकर 1936 भारत की स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की सी। तो इस चैप्टर के विच ये चीज़ असी डिस्कशन कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होया था 1936 ये अपनी बुक की सहायता भी ले लेनी है उस दे विच वही कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ मटीरियल जरूर चॉइस करो जिन्ना ज्यादा तुहाडा एक्सपीरियंस होएगा जिन्ना ज्यादा सॉरी तुहाडी असी कह लिए कि अभ्यास करोंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट उन्ना ही वधिया तुहाडा जिहड़ा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर ते सी गांधी जी ने नीवी जात दे लोकां दे लई तां इस दे विच खाली थां तुहाडी बनदी सीगी किस शब्द की वरतों की और जिसका इसका अर्थ की सी इसका अर्थ असी रब दे बच्चे या ईश्वर दी संतान करके भी इसनू लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर दे विच्चों कुछ क्वेश्चन तुहाडे लई लैके आंदे सी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचों जिहड़ी इही खाली थां हैगी आ इन्हां नू जिहड़ी फिलअप्स नू अपने कोले अंडर नोट कर सकते हैं। ओके आई होप कि अज दा जिहड़ी क्लास दे विच जो तुहानू जिन्ना कु मटीरियल तुहाडे लई लैके आंदा वो तुहाडे लई हैल्पफुल होएगा। वीडियो चंगी लगी अगे कमेंट शेयर जरूर करना और सुझाव दे लई कमेंट बॉक्स दे विच तुसी अपने सुझाव दे सकते हैं। तुहाडे वल्लों दित्ता गया हरेक सुझाव साडे लई बहुत ही कीमती है। दूसरे नंबर पर कोशिश रहेगी कि थोड़े दिनों तक SST की लाइव क्लास के मैप नाल संबंधित 6 to 10 कंबाइन क्लास होएगी जिदे विच
पूरे का पूरा मैप आ जिहड़ा इंडिया का वो तुहानू करवाया जाएगा। इस लिए चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाले बटन में प्रेस कर लेना ताकि जो भी कितने कोई लाइव क्लास की गल होती है तो तुहानू उसका भी नोटिफिकेशन नाल दी नाल मिल जाए। ओके जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा वीडियो देखने के लिए और अगे तो अगे शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद जी।